to all of you. This is Sunaina Malik, teacher posted at Govt Middle School, Kheora Rajouri. Friends, today I shall take up the first lesson of class 9th subject English, that is packing. This is a prose written by an English novelist named as Jerome K. Jerome. There are three main characters in this story. The first one is the writer himself, the second one is George, and third one is Harris. They also have a pet dog known as Montmorency. Before I may commence with the story of this lesson, I want to put your attention towards some of the most important questions raised by the writer in the start of the story. The questions are, have you ever gone for a trip? क्या कभी आप किसी ट्रिप पे गए हो? Have you ever helped anybody in packing? क्या कभी आपने किसी को पैकिंग में मदद की है? Have you ever forgotten to pack for the trip? क्या कभी आप कुछ चीज़ भूल गए हो पैक करने के लिए? How did it make you feel? उस पर आपको कैसा महसूस हुआ? और फिफ्थ क्वेश्चन वो ये पूछता है, did you burst into laughter? क्या तब आपको बहुत हंसी आई? या become angry with yourself? या आप अपने आप से बहुत गुस्सा हुए? तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस लेसन का फर्स्ट सीन दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है. ये जॉर्ज है, ये राइटर है और ये हैरिस है. अब होता क्या है, कहानी की शुरुआत में क्या होता है कि राइटर और इसके दो दोस्त जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम वो एक हॉलीडे पे जाएंगे. राइटर कहता है कि पैकिंग वो खुद करेगा, क्योंकि वो ये समझता है कि सबसे अच्छी पैकिंग उसी को आती है, वो एक सोन पैकिंग करने वाला इंसान है. इस पर ये बात सुनकर दोनों दोस्त ये काम छोड़ देते हैं. वो कहते हैं कि तुम ही करो. क्या करता है इस तब अब राइटर जो है पैकिंग स्टार्ट करता है. इस पर जॉर्ज क्या करता है, अपनी टांग आराम से इजी चेयर पे बैठ जाता है और सिगार जला देता है. और हैरिस भी अपनी टांगे टेबल पे फैला के बैठ जाता है और सिगार जला लेता है. अब राइटर असल में ये नहीं चाहता था, राइटर चाहता था कि पैकिंग यही दोनों करें, लेकिन उनको डायरेक्ट कौन करे, राइटर करे. लेकिन हो गया पूरा ही उल्टा हो गया. अब राइटर ने जूतों करके क्या किया, पैकिंग स्टार्ट की. बहुत टाइम लगा उसको पैकिंग करने के लिए, लेकिन आखिरकार उसने पैकिंग फिनिश कर ली. अब वो बैग को क्या कर रहा है, बांधने के टाइम पर पहुंच गया. अब जब वो बैग को बांध रहा था कि हैरिस ने उसको पूछा, क्या तुमने अपने बूट पैक किए हैं? अब राइटर आगे पीछे देखता है और बूट वहीं पड़े हैं. अब इस बात पर जार जो है वो हंस पड़ा. लेकिन जैसे वो हंसा तो इस बात ने राइटर को बहुत इरिटेट किया, ये मुझ पे हंसा क्यों? क्योंकि वो तो समझता था कि सबसे अच्छा पैक करने वाला वही है, कैसे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गया जो उसके शूज़ थे. अब क्या किया उस बेचारे को, क्या करना पड़ा, उसने बैग खोला और बूट उसके अंदर डाले. अब क्या हुआ, ध्यान आया उसको कि क्या उसने टूथब्रश पैक किए कि नहीं पैक किए. अचानक उसको ध्यान आया, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ थी कि जो उसको ट्रैवलिंग के दौरान बहुत परेशान करती है. अब उसको पता नहीं, अब वो भूल गया कि टूथब्रश उसने पैक किए कि नहीं पैक किए. अब उसने फिर क्या किया, दोबारा से सामान पूरा निकाला उसके बिट में से, ढूंढ रहा है हैरिस और जॉर्ज का टूथब्रश उसको मिलता है, लेकिन अपना टूथब्रश उसको मिलता ही नहीं. काफ़ी देर चीज़ें बाहर निकालता है, फिर डालता है, फिर निकालता है, फिर डालता है. आखिर क्या होता है कि उसको टूथब्रश कहाँ से मिलता है, उसी के शूज़ के बिट में से. तो ये एक बहुत ही हंसी वाली बात थी कि उसका टूथब्रश जो उसने मुंह को लगाना था वो उसके शूज़ में उसको मिला. चलिए अब उसकी पैकिंग यहाँ आके ख़त्म हो जाती है. अब दूसरी बात क्या होता है कि जॉर्ज, हाँ अब दूसरा सवाल जॉर्ज उसको पूछता है कि क्या उसने सोप डाली है, मुश्किल से उसको टूथब्रश मिला था इतना सामान निकाल के डालने के बाद. अब जॉर्ज उसको दूसरा सवाल पूछता है, क्या सोप डाली है तुमने? इस बात पर फिर वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है कि बार बार एक करके सवाल, एक के बाद एक सवाल पूछता. इस पे वो ये जवाब देता है कि मैं सोप तो पैक नहीं करता, सोप मेरे लिए कोई इतनी ज़रूरी नहीं है. यही बात कर रहा था कि उसको ध्यान आया कि उसने अपना टम्बाकू का जो पोच है, तम्बाकू का जो उसका पैकेट है, वो उसने बैग के अंदर डाल दिया. अब क्या किया उसने, फिर से दोबारा सब सामान निकाला और फिर टम्बाकू को पोच निकाल के उसने अपने हाथ में रखा, क्योंकि रास्ते में उसको वो टम्बाकू का इस्तेमाल करना होता. अब फाइनली 10:05 पर उसने क्या किया, पूरी अपनी पैकिंग कर दी.
अब फिर पीछे क्या बच गया था? खाने पीने की चीज़ें। इस पर जॉर्ज और हैरिस ने क्या कहा उनको कि हम करेंगे खाने पीने की चीज़ें पैक। अब ये देखिए, जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है, जॉर्ज और हैरिस अब पैकिंग पे आ गए और राइटर जो है वो आराम से साइड पे बैठ लिया, राइटर साइड पे बैठ लिया। अब खाने पीने की चीज़ों में क्या क्या पैक करना था? प्लेट्स पैक करनी थी, कप पैक करने थे, केटल, बॉटल, स्टोव, टमाटोज वगैरह पैक करने थे। अब उन दोनों ने जैसे पैकिंग का काम पकड़ा तो पहले ही उन्होंने क्या कर दिया कि कप तोड़ दिया, पहला ही काम उन्होंने बुरा किया। फिर हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम का जो बॉटल थी वो टोमेटो के ऊपर रख दी। देखिए ये चीज़ें जो हैं वो हंसा रही हैं सुनने वालों को कि स्ट्रॉबेरी जैम का जो बॉटल है वो टोमेटो के ऊपर तो रखना चाहिए ही नहीं। हुआ क्या कि जब भी स्ट्रॉबेरी जैम की बॉटल उसने टोमेटो पर रखी तो टोमेटोज क्या हो गए? स्क्वैश हो गए। अब क्या कहना, उसने क्या करना शुरू किया, अब टोमेटोज को उसने टीस्पून से उठाना शुरू किया। फिर क्या हुआ, वहाँ बटर पड़ा हुआ था, जॉर्ज अब वो पैकिंग कर रहे हैं, हाश पाश में उनको समझ नहीं आ रही, जॉर्ज ने अपना पैर बटर के मक्खन के ऊपर रख दिया, ठीक है। लेकिन राइटर ये सब कुछ देख रहा है और साइड पे टेबल के साइड पे बैठा है, सब कुछ देख रहा है। ये चीज़ें उसको क्या कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, और ब्लेंडर क्या किया कि पेस्ट्रीज का जो डब्बा था उसको सेंटर में रखा और उनके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दी, भारी चीज़ रख दी, जिससे क्या हुआ कि पेस्ट्रीज पूरी स्क्वैश हो गई, ख़राब हो गई। इतनी देर में क्या होता है, जो बटर था वो क्या हुआ, जॉर्ज के पैर के साथ लग गया। अब मुश्किल से उसने बटर वहाँ से अपने पैर के साथ से निकाला और अब उसको वो केटल पे, जैसे कि देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, जो बटर है उसके पैर के साथ चिपक गया है। अब बटर उन्होंने क्या किया, पैर से खींचा और उसको किस में डालने की कोशिश की, केटल में डालने की। ये चीज़ें देखिए ना, बिल्कुल सेंसलेस सी बातें कर रहे हैं, केटल में बटर डालने की कोशिश कर रहे हैं, बटर जा नहीं रहा केटल में। अब क्या करते हैं कि केटल से किसी ना किसी तरीके से खुदा खुदा करके बटर उन्होंने वहाँ से निकाला और बटर को रख दिया चेयर पर रख दिया बटर। अब उधर पैकिंग कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही, एकदम कंफ्यूज हो गए। इस दौरान में क्या होता है कि हैरिस आके बटर के ऊपर बैठ जाता है और बटर उसकी बैग के ऊपर लग जाता है। अब बटर पैक करने का टाइम आया तो बटर ढूंढ रहे हैं, बटर कहाँ गया, बटर कहीं से मिल नहीं रहा, तो बटर कहाँ लगा हुआ, बाद में उनको दिखा कि बटर हैरिस की बैग पर लगा हुआ। अब किसी तरीके से उनने बटर को वहाँ से खींच के निकाला और उसको टी पॉट में रख दिया, चाय के जो बर्तन था उसके। अब इसके बाद क्या होता है कि उसका कुत्ता, अब इतनी हंसी के बीच में, इतना हंस हंस के लोट हो रहे हैं सब, अब देखिए कि कुत्ता आ गया बीच में और कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। वो आता है और बैठ जाता है उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो उन्होंने पैक की हुई हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बैठ जाता है। अब वो किसी मुकाम पर पहुँचते इससे पहले कुत्ता आके अपनी नाक उसमें घुसेड़ देता है और तमाम चीज़ें खराब कर देता है। देखते देखते क्या करता है, कुत्ता अपनी टांग जो है जैम के बीच में डाल देता है और तमाम जो नींबू वगैरह होते हैं वहाँ उनको ख़राब कर देता है। वो सोचता है ये नींबू जो है वो क्या है चूहे। देखिए जैसे इस पिक्चर में बताया गया है, ये देखिए पैकिंग की तमाम चीज़ों को कुत्ते ने क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। आखिर क्या होता है, कुत्ते को वो भगाते हैं वहाँ से और उनकी पैकिंग कम्प्लीट होती है अब रात के 12:50 पर। अब वो सोने के लिए रेडी हैं क्योंकि पैकिंग तमाम उनकी कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करते हैं, अब वो डिसाइड करते हैं कि 6:30 पर सुबह जागेंगे। जॉर्ज क्या करता है, वो ऑलरेडी ही वो मतलब सोया होता है, वो क्या कर देते हैं, अपना बाथ टब जो होता है अपने बेड के पास रख देते हैं ताकि सुबह जैसे ही उठे तो बाथ टब के बीच में गिर जाए और वहीं नहा लें। तो इसके बाद क्या होता है, वो सब सोने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ कहानी ख़त्म।